हेलो दोस्तों, आज जो रचना आपके सामने हम लेकर आए हैं ये एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका टाइटल है द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी। इस कहानी के लेखक हैं पोंजीकारा रफी। पोंजीकारा रफी भारत के केरल प्रदेश से थे और इस कहानी में जो मुख्य पात्र है उसका नाम संकु है और वो संकु की जो मनोदशा है, उसकी जो स्थिति है, उसके बारे में इस कहानी को दर्शाया गया है। तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो ये है कि संकु एक मजदूर होता है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है, उसके ऊपर उधार होता है और उसकी माली जो हालत होती है वो भी अच्छी नहीं होती। उसका एक छोटा बच्चा होता है और दूसरा जो है आने वाला होता है और उसने बहुत लोगों से उधार ले रखा होता है। तो एक दिन उसे सोने की घड़ी दिखती है अपनी फैक्ट्री में और वो उसे चुराना चाहता है और वो सोचता है अगर मैं इसे चुरा लूं और उसके बाद इसके जो पैसे आएंगे उससे मेरा सारा कर्जा जो है वो मैं चुका सकता हूँ। लेकिन फिर उसके मन में जो संशय होता है, उसके मन में जो डर होता है कि अगर मैं पकड़ा गया या मुझे किसी ने देख लिया तो मुझे कितनी बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा, मुझे लोगों के तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा, और क्या ये जो धन है जो इस गोल्ड वॉच के एवज में मुझे मिलेगा, क्या वो उस लोक लज्जा से ज्यादा कीमती होगा। और बाद में वो क्या होता है कि वो लोक लज्जा जो है उस लालच से बड़ी निकलती है, मतलब वो लोक लज्जा के भय से उस चोरी को पूरा नहीं कर पाता, वो नहीं करता, वो छोड़ देता, बाद में अपना वो डिसीजन चेंज कर लेता। तो यही इस कहानी का जो है मेन सारांश है, क्योंकि रूपांतर के साथ ये कहानी लंबी हो गई थी तो इसलिए हमने इसे दो भागों में बांटा है। ये इस कहानी का पहला भाग है और इस कहानी का दूसरा भाग भी हमारे चैनल पे मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं द गोल्ड वॉच। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट्स संकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। बहुत सारी पहली रातों की जैसे संकु उस रात भी नहीं सो पाया। ही टर्न्ड एंड टोस्ट इन हिज बेड। टर्न एंड टोस्ट का मतलब हो गया करवटे बदलना, बट इट वॉज नो यूज, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। द मोर ही थॉट द मोर कन्फ्यूज ही फेल्ट। तो जितना वो ज्यादा सोचता था उतना ही ज्यादा उसे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ले ऑन हिज टोन मैट। उसने अपनी आंखें बंद की और जो है वो टूटा फूटा जो उसकी जो चटाई थी उस पर वो लेटा रहा इन द डार्कनेस, अंधेरे में। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे। और जो भी चीज वो दिन के उजालों में जितनी अच्छी तरह से देख सकता था वो उतनी ही अच्छी तरीके से अपने सामने रातों को लेटे हुए भी वो देख सकता था। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो चीज उसकी आंखों के सामने रह रह के आ रही थी। द डिजर्टेड ऑफिस रूम, मतलब छोड़ा हुआ जहाँ पे मतलब कोई नहीं होता, जो ऑफिस का कमरा था। व्हेन एवरीवन हैड गॉन आउट फॉर रेस्ट और फॉर लंच, जब हर कोई मतलब कोई खाना खाने या फिर आराम करने के लिए चला जाता था। द ग्रास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, और जो उसका शीशे का जो खिड़की होती थी वो भी मतलब पूरी तरह से बंद नहीं होती थी, पार्टली क्लोज्ड होती थी। ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इन साइड वर ए फ्यू फैट वॉल्यूम्स, और टेबल और अंदर की तरफ जहाँ पे मतलब टेबल लगी हुई थी उसकी एक तरफ तो मोटी किताबें थीं, फैट वॉल्यूम्स, एट द अदर एंड अ पेन एंड इंक बॉटल एंड सो फोर्थ। तो दूसरी तरफ एक पेन था, शाही की दवात थी और इसी तरह की दूसरी चीजें थी। एंड इन बिटवीन वॉज ए गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन ए बुक, और इन चीजों के बीच में एक सोने की घड़ी थी जिसमें सोने की चेन लगी हुई थी, वो एक बुक के ऊपर रखी होती थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट ए फुट एंड यू कैन पिक इट अप। स्ट्रेच आउट का मतलब होता है हाथ बढ़ा के लेना। तो खिड़की खोलो, हाथ बढ़ाओ एक फुट जितना और इसे उठा लो। ये घड़ी के बारे में बात हो रही है कि मतलब बहुत इजीली एक्सेस कर सकते थे उस घड़ी को आप खिड़की से। एवरीवन इज आउट फॉर लंच, और हर कोई तो खाने क्या होता था, नो बॉडी विल नो, किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ कहने का मतलब यही है कि वो ये सोच रहा है रात को करवटे बदलते हुए, अब वो चोरी का जो है प्लान है उसका, उसने उसे बहुत परेशान करके रखा हुआ है, वो करवटे बदल के सो रहा है। उसके बाद में वो देखता है कि घड़ी मतलब कैसी कहाँ पे रखी हुई है, और वो ये भी देखता है कि जो दोपहर का समय होता है उस समय हर कोई खाने पीने चला गया होता है या रेस्ट करने चला गया होता है, तो उस समय वो खिड़की से जो अधखुली होती है उससे हाथ बढ़ा के वो घड़ी को ले सकता है। संकु रिमेम्बर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कावर्डाइस एंड हिज वेसिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। तो संकु ने जो है उसको अपने प्रयत्न याद आए, उसको अपनी कायरता याद आई,
अपनी अस्थिरता याद आई। गए कुछ दिनों में उसके साथ ऐसी हो रहा था, मतलब वो चाहता था कि ले लूं लेकिन फिर वो कर नहीं पाता था। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम, उसने उस समय वहां पे किसी को नहीं देखा था। ये इस समय की बात हो रही है जब वो प्लान करता है कि घड़ी चुराई जा सकती है। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, और फिर भी वो डरा हुआ था। ही हैड ट्रेम्बल्ड एंड फेल ब्रेथलेस, उसे कपकपियां छूटती थीं और वो मतलब ऐसा लगता था उसे सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। दैट वॉज वाई ही हैड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम। तो और यही कारण था, रिफ्रेंड, वो इसे कर नहीं सका था, क्योंकि हर बार जब वो करने की सोचता था तो मतलब वो डर से कांपता था और उसे लगता था उसका दम घुट रहा है, इतना मतलब वो डर जाता था। इट वुड नॉट डू टू पुश इट ऑफ एनी लॉन्गर, और उसे लगा कि अब इससे ज्यादा इसे नहीं छुड़ा जा सकता, इसे चुराना ही चुराना है। इफ ही थॉट एनी फादर ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, और अगर उसने इससे ज्यादा कुछ सोचा उस घड़ी के बारे में तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ही माइट इवन ब्लट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, ब्लट आउट कहते हैं मतलब अनायास ही कह देना, मतलब जोर से बोल देना। तो अगर वो इसी स्थिति में रहा, इसी पशुपेश में रहा, तो हो सकता है कि एक दिन वो अपना राज ही किसी को बता दे, मतलब अनायास उसके मुंह से निकल जाए कि भाई देख मैं तो घड़ी चुराने वाला हूँ। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, सपोज ही डिड नॉट, तो क्या कहता है कि वो सोचता है कि मुझे कल जो है ये काम करना ही है, और क्या हो अगर वो इस काम को अंजाम ना दे सके। संकुश थॉट बिगेन टू लिंगर ओवर द थोनी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ, और उसके बाद जो उसका जो दिमाग है, लिंगर ओवर मतलब उसके ऊपर आके टिक जाता है, जो उसकी थोनी प्रॉब्लम, जो उसकी कांटेदार जिंदगी, मतलब जिंदगी में जो परेशानियां हैं उसके ऊपर आके उसके विचार रुक जाते हैं। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, जो कल है महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे, आने वाले 3 दिनों में उसे अपनी तनख्वाह मिल जाएगी। 13 rupees फॉर 13 days, 13 rupees 13 दिनों के लिए, तो कहने का मतलब उसे एक दिन में उसकी तनख्वाह 1 rupee मिलती है। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेजेस एट द स्टोर, और उसने जो दुकान से सामान लिया होता है उसके लिए उसे 4.5 rupees पे करने होते हैं। देर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 rupees, उसके बाद क्या होगा कि उसके पास 8.5 rupees बाकी रहेंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 out of the 10 rupees ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, और उसने जो है फंड में से, वहां कोई फंड होता है इन लोगों का जिससे उसने मतलब पैसे उधार लिए होते हैं, तो उसमें से 10 rupees उसने लिए होते हैं, तो उसमें 10 में उसने 5 ही दिए होते हैं। वो भी इसलिए लिए होते हैं फंड से उधार क्योंकि उसे अपनी माँ की वार्षिकी है उसमें उसको जाना होता है, तो यहाँ पे भी उसके ऊपर थोड़ा सा कर्जा होता है। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 rupees विद इंटरेस्ट एट 6 paise a rupee अ वीक, उसको जो है जो उसके 5 rupees बाकी होते हैं फंड से उसमें उसको 1 rupee पे 6 paise हर हफ्ते उसको ब्याज देना होता है, तो 6×5=30 paise वहां हो गए उसके। एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 rupees, और जो चाय की दुकान होती है जहां उसने नाश्ता वगैरह किया होगा वहां उसे 3 rupees देने होते हैं फॉर 2 weeks, जो कि उसने 2 हफ्ते में खाया होता है। बिसाइड्स प्रीवियस एरियस अमाउंटिंग टू 1.5 rupees, और उससे पहले भी वहां पे एरियर्स का मतलब हो गया जो बकाया होता है वो 1.50 rupees का होता है। ही ओड 6 rupees टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, उसने 6 rupees जो है अली को देने होते हैं जो चावल लाया होता है वो वहां से उसके लिए। बीडीज एंड अदर ओट्स एंड एंड्स, और उसके साथ ही जो बीड़ियां होती हैं उसके पैसे देने होते हैं, उसके बाद में जो छोटा मोटा सामान ओट्स एंड एंड्स उसके देने होते हैं। 1 month's हाउस रेंट वॉज 3 rupees, और 1 महीने का जो किराया होता है घर का उसके 3 rupees होते हैं। इन एडिशन टू दीज सम्स ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 paise 25 paise एंड 50 paise फ्रॉम सेवरल पीपल, और उसके साथ ही उसने जो है कहीं से 12 paise कहीं से 25 paise कहीं से 50 paise दूसरे लोगों से भी उधार लिया होता है। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 rupee टू बी पेड टू द फिश वुमेन, उसके साथ ही उसकी बीवी ने कहा होता है कि जो मछली वाली औरत है उसको तुमने 1 rupee देना है, वहां से भी उन्होंने कुछ उधार लिया होता है। संकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, तो जो संकु होता है वो जितने भी पैसे उसने देने होते हैं देनदारों को उसका जो है वो हिसाब किताब करके रखता है।
What he was going to get was just 8.5 rupees. तो उसे सिर्फ 8.5 रुपए मिलने होते हैं उसकी तनख्वाह में से. What he owed was 22 rupees 13 paise. लेकिन उसका जो उधार बकाया होता है वो होता है 22 रुपए 13 पैसे का. He had other needs too. उसके साथ ही उसे उसकी दूसरी जरूरतें भी होती हैं. He had borrowed 3 rupees from his wife. और उसने 3 रुपए अपनी बीवी से भी उधार लिए होते हैं. This was out of the sum she had slowly saved up now and then in order to buy a waist chain. Waist chain कहते हैं कमरबंद को. तो उसने वो पैसे बचा के रखे होते हैं कमरबंद अपनी छोटे बच्चे के लिए, for the younger child. He had assured her that he would buy it out of his pay at month. और उसने उसे वादा किया होता है कि वो महीने में की जो तनख्वाह आती है उसमें से वो उसे खरीद देगा. तो यहाँ तक आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा होता है, बहुत लोगों को उसने देना होता है और पैसे की किल्लत होती है. तो ये जो पैसे की किल्लत है उसको वो जो गोल्डन घड़ी होती है उसकी तरफ आकर्षित करती है कि इसे चुरा लो. संकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट. और ये जब विचार मतलब अब जो पक्का हो जाता है कि उसने ये चुरानी चुरानी है, तो उसका जो दिल है बहुत तेजी से धड़कने लगता है. Through his heartbeats, he could hear the harsh voice of the tea shop owner, Kochuni. और जो उसकी जो दिल की धड़कन की तेज तेज आवाज आ रही होती है उसके बीच में वो जो चाय की दुकान वाला होता है कोचनी, उसकी आवाजें सुनाई देती है. Ali's hollow laughter and vulgar words and irritating talk at Lonappan, who was in charge of the fund. इसके साथ ही उसे जो अली, जहाँ से उसने चावल लिए होते हैं, उसकी मतलब बेरुखी जो आवाज होती है, जो हंसी होती है वो उसे सुनाई देती है. और उसके जो है गंदे शब्द, वल्गर जो शब्द होते हैं उसको वो सुनाई देती हैं. उसके बाद जो है एकदम विचलित कर देने वाली, जो मतलब परेशान करने वाली जो बातें होती हैं, लोनापन जो कि फंड का इंचार्ज होता है उसकी बातें उसे सुनाई देती हैं. He felt that they were all surrounding him like rowdy. Rowdy कहते हैं जो झगड़ा करने वाले लोग होते हैं. तो rowdy boys armed with sticks gathering around a stray dog. और वो जब सबके बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि ये जो सारे लोग हैं ये झगड़ालू लोग हैं जो कि अपने हाथों में डंडों को लिए एक स्ट्रे डॉग, जो एक आवारा कुत्ता होता है, उसके चारों ओर खड़े हैं उसको मारने के लिए. What a horrible scene. कितना भयानक दृश्य है. Finding it unbearable, Sanku turned over on his stomach and thought, I have no alternative but to pick it up tomorrow. तो ये जो ख्याल है वो उस समय आ रहे होते हैं जब वो रात को अपने घर में सोया होता है या लेटा होता है. उसके बाद वो अपने पेट के बल सो जाता है और सोचता है कि मेरे पास अब दूसरा विकल्प नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, मुझे कल इसे चुराना ही चुराना है. विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपीज, इसे बेचूंगा तो 20 रुपए नहीं मिलेंगे. फैच का मतलब लाना. इवन 15 विल डू, 15 भी मिल जाते हैं तो वो भी काफी है. 15 plus 8.5. उसके बाद क्या होता है, 8.5 मेरे पास है, 15 मैं घड़ी को बेचूंगा, दैट इज 23.5 रुपीज. उससे क्या होगा, मेरे पास 23.5 रुपए हो जाएंगे. इट विल फैच मोर देन 15, और इसे 15 से तो ज्यादा मिलने चाहिए. ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट्स, तो उसका जो उधार है वो उसे चुका सकेगा. एंड लिव इन पीस, और शांति से जी सकेगा. अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेट, उधार अगर किसी का बाकी ना रहे तो लाइफ में तो मजा आ जाए. विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप. ड्रिफ्टेड इनटू मतलब वो उसमें चलता चला गया, बहता चला गया, तो वो नींद में जो है चला गया. इसके बाद इट वॉज मॉर्निंग, फिर सुबह होती है. व्हाट आर यू स्टिल अस्लीप, तुम अभी तक सो रहे हो, संकुज वाइफ सैड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, उसके कंधों को उसने नरमी से हिलाते हुए कहा. इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, देखो सूरज उगे कितना समय हो चुका है. Sanku raised his head at once. उसने अपना सर एक ही बार में उठाया. His wife picked up the younger child who was crawling up to her. उसके बाद वो अपने छोटे बच्चे को उठा लेती है. Crawling up जो मतलब घुटनों के बल रेंगता हुआ उसके पास आता है. And asked Sanku. उसके बाद वो संकु से कहती है, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टूडे, आज तुम्हें काम पे नहीं जाना. ओ यस ही सैड एंड गॉट आउट ऑफ बेड. उसके बाद कहता है हाँ हाँ मुझे जाना है. उसके बाद वो
बिस्तर से बाहर आ जाता है। ही स्टेप डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड इन ए हरी। तो कोर्ट यार्ड कहते हैं जो बरामदा होता है, जो आगे की जगह होती है उसके घर में, वो वहां जल्दी से नीचे उतरता है इन ए हरी। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन पियर्सिंग द लश बम्बू फॉलिएज ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच। शंकु जब बिस्तर से उतर के जल्दी से आंगन में उतरता है तो उतरते समय वो देखता है कि सूरज की जो सुनहरी किरणें होती हैं सुबह की, वो पूर्वी तरफ से आ रही होती है और वो जो किरणें होती हैं वो हरे बांस के पत्तों को छेदती हुई उसका जो पुराने ताड़ के पत्तों से बना घर का छप्पर होता है उस पर गिर रही होती है, मतलब उस पर उजाला डाल रही होती है। तो दोस्तों ये था इस कहानी का पहला भाग, होपफुली आपको पसंद आया हो। अपने विचार अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्द ही एक दूसरी रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए